बिहार में कोरोना का नया रूप काफ़ी खतरनाक रूप ले गया है। बार बार ये अपना रूप बदल रहा है और कैसे ये चेंज कर रहा है, कैसे लोगों को पता चले कि उन्हें कोरोना हो चुका है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन। सर, इस पर कोरोना कुछ बदला रूप में आया है? आप ध्यान से देखेंगे तो जो इस बार COVID-19 का जनवरी से मैं भी पेशेंट्स देख रहा हूँ और जितने पेशेंट्स हमने देखे हैं और जो भी बाकी जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, दो तीन चीज़ें यूनिक है इस बार के वेव्स में। एक तो जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो घट गया है। आज यदि किसी को एक्सपोजर होता है तो 2 से 3 दिन में उनको सिम्टम्स आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम्स जो आते हैं सो 1 से 2 दिन रहते हैं। किसी को फीवर 1 से 2 दिन रहा, कुछ दवा लिया, गायब हो गया, उसके बाद उनको सिर्फ दूसरा सिम्टम्स होता है। किसी को GI डिस्टर्बेंस होता है, किसी को डिहाइड्रेशन होता है, किसी को न्यूरोलॉजिकल होता है, और ज़्यादातर लोगों में सिर्फ वीकनेस बच जाता है। जब वो वीकनेस के लिए जाते हैं तब कोविड टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आता है। और बहुत सारे पेशेंट्स में कोविड RT-PCR नेगेटिव्स भी होते हैं लेकिन उनके लंग में फाइंडिंग्स होते हैं। इस कारण से अभी क्या हो गया कि इसको डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट्स भी ये फील करते रहता है कि हमको और तो कुछ हो नहीं रहा है, ना फीवर है, ना खांसी है, ना कुछ है, तो हम अपना टेस्ट क्यों कराएं, दिखाएं क्यों। जब उसका वीकनेस एक्सट्रीम बढ़ जाता है, लंग काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका होता है, जो चुपचाप इन्वॉल्व करते रहता है कोविड, जिसको कि साइलेंट किलर के रूप में बोल सकते हैं, तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब CT स्कैन यदि होता है उनका तो पता चलता है कि उनका लंग 70% 80% डैमेज हो चुका है। और तब एक और देखने में आ रहा है कि जो पटना का जो फिगर आया है सामने, प्रतिदिन जो फिगर आ रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है। पिछले बार बच्चों की संख्या नहीं थी, अभी जो पटना में 80 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और जो कोविड पॉजिटिव है। आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे यदि COVID-19 को, तो ये जो सेकेंड वेव्स आया है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी जो अभी आ रहा है, इसमें ये पैटर्न चेंजेज हैं। जैसे पिछली बार ज़्यादातर 50 साल से ऊपर के लोग बीमार होते थे और वो इन्फेक्टेड थे, यंग कम होते थे और बच्चे तो बहुत ही कम होते थे और उनमें सिम्टम्स माइनर होता था और बिना ट्रीटमेंट के ही वो मोस्ट ऑफ द बच्चे रिकवर कर जाते थे। लेकिन इस बार पैटर्न्स चेंज है। कोविड वायरस में हमें लगता है कि इंडियन सब कंटिनेंट में भी काफ़ी म्यूटेशंस हो चुके हैं जिनकी जीनोमिक्स नहीं पता चली है, या हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि जीनोमिक्स उनका पता कर सके, क्योंकि वायरल बहुत ही फास्ट अपना रूप बदलता है, लेवाइल है। इसलिए इस बार बच्चों में ज़्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। बॉम्बे में भी, महाराष्ट्र में भी, बेंगलोर में भी काफ़ी बच्चे इन्वॉल्व हुए हैं। दूसरा, पिछली बार बच्चों को जो इन्वॉल्वमेंट होता था तो ज़्यादातर बच्चे हेल्दी रहते थे, उनमें सिम्टम्स बहुत कम आते थे और ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के मैक्सिमम ठीक हो जाते थे। लेकिन इस बार बच्चों में सिम्टम्स भी गंभीर आ रहे हैं, फीवर्स भी ज़्यादा दिन रह रहा है और ट्रीटमेंट करने में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बचाव क्या है? बचाव सिर्फ मास्क है। और दूसरा क्या है, अर्ली डायग्नोसिस। बचाव से भी ज़्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट बिहार सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिन मई जून जुलाई, ये 90 दिन बिहार के लिए बहुत ही मुश्किल दिन होंगे। और आप कह सकते हैं कि हम लोग एक ब्लाइंड टनल में घुस रहे हैं। अप्रैल में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत कम बढ़ रहे हैं बिहार में या देश में भी, अभी 1 लाख को क्रॉस किया है। लेकिन अब आप देखें कि पहले 5 से 7 स्टेट इन्वॉल्व थे, आज के तारीख में 15 स्टेट्स अच्छे खासे फास्ट रूप से बढ़ रहे हैं। तो मई जून जुलाई ये इंडिया के लिए भी और बिहार के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है। तो हमें मैनेजमेंट पार्ट को इम्प्रूव करना होगा, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, पेशेंट अवेयरनेस। अभी भी पेशेंट्स में ये अवेयरनेस नहीं है कि उनको सिम्टम हो रहा है तो जल्दी जाके डॉक्टर से दिखाएं और इलाज कराएं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये होम आइसोलेशन सिस्टम को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। आप इसको आइसोलेशन सेंटर के जगह पे होम ट्रीटमेंट सिस्टम में बदलना होगा, जिसको हम होम नर्सिंग केयर बोलते हैं। जब तक आप इस सिस्टम को ऑप्ट नहीं करेंगे, आज किस सबवा की खबर है कि एक डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि उनका एक नॉन टू पेशेंट एम्स में जगह नहीं है, पारस भर गया है, डूबन फुल है, ऐसी खबरें आने शुरू हो गई, दवाइयाँ कुछ स्टॉक से बाहर हो गई हैं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन आना शुरू हो गया है। अभी ही हमने यदि प्लान बना के इसको काम नहीं किया तो मई जून जुलाई में हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये थे डॉक्टर प्रभात रंजन, जिन्होंने साफ तौर पर यह चेताया है कि आने वाले दिन यानी कि अगले जो 3 महीने हैं अप्रैल मई जून काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं और इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ऊझा, पटना न्यूज़ 24।